बड़ी खबर बताएंगे। कथित पेगासस मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। पेगासस जासूसी कांड को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 2017 में जब पीएम मोदी इसराइल गए थे तब $2 अरब का रक्षा सौदा हुआ था और इसी सौदे में पेगासस को लेकर भी डील हुई थी। हालांकि अखबार की रिपोर्ट में इस बात का कोई सबूत नहीं दिया गया है। अब कांग्रेस इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने पूछा कि अब प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? शक्ति सिंह गोवल सांसद हैं कांग्रेस के, जिन्होंने ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी क्यों चुप है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि करदाताओं के 300 करोड़ का भुगतान इजरायली एनएसओ को किया गया। इसका मतलब है कि हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और संसद को गुमराह किया है। इसके पहले संसद के अंदर भी पेगासस मामले को लेकर गूंज रही स्पाईवेयर का इस्तेमाल रक्षा उद्देश्यों के लिए नहीं बल्कि, ये ट्वीट किया है प्रियंका चतुर्वेदी सांसद शिवसेना। वो ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि शिवसेना ने भी अब इस मुद्दे को आड़े हाथों लेते हुए भुनाने की पूरी कोशिश लगातार विपक्ष की पार्टियां कर रही है। लिखा है कि विपक्ष और पत्रकारों की जासूसी करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। बीजेपी है तो मुमकिन है, देश को बिग बॉस का शो बना डाला है और अब प्रधानमंत्री चुप क्यों है, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये पूरा मामला सामने आया है। एक बार फिर यह कहा गया है कि जब वो इसराइल गए थे तब ये बड़ा रक्षा सौदा हुआ था और अब प्रधानमंत्री चुप क्यों है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि शिवसेना ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने कहा है कि रिपोर्ट से यह तो साफ हो गया है कि विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा सही था। जो बात हमने रखी थी एक साल पहले या जब पेगासस का खुलासा हुआ था, तो राहुल गांधी हो, सभी नेताओं, हम सभी ने पार्लियामेंट में या बाहर बार बार उस बारे में तथ्य और एविडेंस सामने लाने का कोशिश किया था कि हमारे सबके ऊपर निगरानी रखी जा रही है। हम क्यों, बीजेपी के बहुत बड़े 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 लोग हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी निगरानी है। यूपी के मुख्यमंत्री हो या और कोई हो, बीजेपी के मुख्यमंत्री के ऊपर भी निगरानी चल रही है, सबको मालूम है। और क्या बोलना चाहिए, हमें मालूम है हमारे पीछे क्या हो रहा है। हमारे परिवार के बैंक अकाउंट देखे जा रहे हैं बार बार आकर उनके लोग, फोन सुने जा रहे हैं हमारे। तो ये क्या डेमोक्रेसी है क्या? ये तो बहुत ही घटिया तरीके की डिक्टेटरशिप है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।